हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इमरजेंसी टीम्स। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे कि जब भी एयरक्राफ्ट का किसी भी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी इमरजेंसी टीम कैसे रिएक्ट करती है, क्या उसके डिसीजंस रहते हैं, वो उनको क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं जो उन्हें करनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो टीम है, इमरजेंसी टीम, ये तैयार भी तो पहले करनी होगी ना, तभी तो वो उस एट अ टाइम पे उस मोमेंट पे वर्क कर पाएगी। तो इसीलिए बहुत बार बताया भी है मैंने वीडियोस में कि हमारी एक इमरजेंसी टीम अलग से रहती है। कोई भी वर्क प्लेस हो उसके लिए एक इमरजेंसी टीम हम प्रिपेयर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम इमरजेंसी टीम के लिए अलग से बंदे लेके आएँ, जो हमारे यहाँ वर्किंग में हैं उनको ही हमने ट्रेनिंग दी और उनको ही हमने इमरजेंसी टीम वाले कैंडिडेट्स बना दिए। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट की जो इमरजेंसी टीम है वो क्या करेगी, है ना। तो देखिए, बेसिकली इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप जो है उसमें ये देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक फायर फाइटर के लिए, जो कि फायर फाइटर भी तो होगा ना वहाँ पे। ठीक है, एक फायर फाइटर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो एक क्रैश रेस्क्यू वो कर रहा है, क्रैश एरोप्लेन का रेस्क्यू कर रहा है, तो उसे क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें ये चेक करना होगा कि सपोर्ट सर्विस में हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, हमें सपोर्ट सर्विसेज में एक फायर ब्रिगेड चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें चेक करनी होगी। ठीक है, और हर किसी को अपनी थर्ड ग्रुप में ये है कि स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्मेंस, सबको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, उनकी स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आई, इनको पहले ट्रेंड करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए उनके एक्सीडेंट जो हुआ है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल क्या है, रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता होना चाहिए, ओन ड्यूटीज़ पता होना चाहिए, सपोर्ट में सर्विसेज हमें कितनी रहेंगी वो। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमें पता होना चाहिए, एयरफील्ड पर हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा। अगर किसी भी एयरक्राफ्ट में आग लगती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें अगर पता होता है, अगर वो लैंडिंग मतलब वहीं एयरपोर्ट पे उसका लैंडिंग हो रखा है, तो आग अगर लगती है तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा रिस्पांस टाइम उसका रहेगा। ठीक है, कोशिश हमें करनी है हम 3 मिनट तक आ जाएं वहाँ, जिससे कि आग हमें कंट्रोल में ले सकें। ठीक है, अदरवाइज़ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर उसे एक्सटिंग्विश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा कि हमें तुरंत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना है, पूरा फायर फाइटिंग क्रू को रिस्पॉन्स करना है, पोटेंशियल हमारे पास जितनी भी इमरजेंसी नंबर्स हैं, जितना भी हमें सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं इमरजेंसी के लिए, उन सब पे रिस्पॉन्स करना है जल्द से जल्द। ठीक है, हमारे साथ पूरा क्रू अगर होता है और जो भी क्रू है उसे हर क्रू मेंबर को पता हो कि हमें क्या क्या करना है। देखिए, इस तरीके से एयरक्राफ्ट का अगर एक्सीडेंट होता है, अगर वो क्रैश होता है, तो देखिए एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो नीचे जो गाड़ियां हैं और भी, जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है, तो उनका भी तो हार्म होगा ना। किसी जंगल में अगर प्लेन एयरक्राफ्ट क्रैश होकर गिर जाए और वो उसमें आग लगी हो, तो जंगल में भी तो आग लग सकती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस भी है। तो हमें देखिए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत हमें एक्शन लेने होंगे, इसीलिए इसकी इमरजेंसी टीम को इतना तैयार किया जाता है। हमें तुरंत ही उसकी लोकेशन पता रहना चाहिए, हम इमरजेंसी जो फायर फाइटिंग है वो हम तभी करना शुरू तो कर पाएंगे ना। ठीक है, एयरफील्ड पर क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें यूज़ करना है, सारी चीज़ें हमें जल्द से जल्द कलेक्ट करके तुरंत उसको एक्सटिंग्विश करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी पर्सन आता है, जो भी पर्सन अगर किसी को चोट लग गई है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए एम्बुलेंस क्रूज भी रहेगी हमारे पास। ठीक है, एम्बुलेंस क्रू को हम बुलाएंगे, जो कि वहाँ से जो भी इंसान इंजर्ड हो गया है, किसी को चोट लगी है, उसको लेके वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच सके। ठीक है, तो ये ऑफ पोस्ट मेडिकल आपका एम्बुलेंस सर्विसेज रहेगा, ये आपके जो भी एम्प्लॉय हैं, जिसको भी चोट लगी हुई है, जो एक्सीडेंट में उसको चोट लग गई है, बिल्कुल इंजर्ड पर्सन है, उसको ये तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हमें किस तरीके से एक्शन लेना है, हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रॉक्सिमिटी सूट आपको बताया था, आग लग जाती है तो हम प्रॉक्सिमिटी सूट पहन के ही उसकी आग बुझाएंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट की। ठीक है, उसके बाद हमें किसी की जान बचानी है तो भी हम प्रॉक्सिमिटी सूट पहन के BA सेट लेके जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद फायर चीफ को हम बता इन्फॉर्मेशन देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे उन्हें तुरंत इमीडिएटली किस तरीके से आग लग गई है, ठीक है। और हम एज्यूम करेंगे डायरेक्शन कमांडर का, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले आपको अपनी टीम तैयार करनी होगी, उसके बाद जहाँ भी जो भी जिस प्लेस पर आग लगी है वहाँ जाके उसको एक्सटिंग्विश करना होगा। एक्सटिंग्विशिंग के लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो सारा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो फायर ब्रिगेड्स वगैरह जो रहती हैं उनमें सभी मटेरियल आपको सभी तरीके का सामान मिल जाता है, अवेलेबल रहता है उनमें, ठीक है। इन केस अगर नहीं है तो आप वो भी सामान उसको अरेंज करके आप फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉक्सिमिटी सूट अगर आप वेयर करते हैं तो उससे भी बहुत हेल्प रहेगी, आपकी बॉडी को उससे कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। भले ही फिर आप आग में जाके उस आग को बुझा रहे हैं या फिर किसी की जान बचा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मेडिशनल और पर्सनल एम्बुलेंस क्रूज मैंने बताया आपको, इसका भी क्रू एक तैयार रहता है जो कि आपको तुरंत दवाई के लिए मेडिसिंस के लिए आपको एम्बुलेंस में और मतलब मेडिसिंस के लिए एम्बुलेंस के लिए फर्स्ट एड मतलब तुरंत आपको फर्स्ट एड मिल सके, ठीक है। फर्स्ट एड आपको तुरंत वहाँ से मिल सके, इसीलिए ये क्रू भी तैयार रहता है हमारा कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो आपको हम सही समय पे हॉस्पिटल भी पहुँचा सकें। तो हमारा क्रू भी हमारे साथ रहता है, सारी चीज़ें यहाँ अवेल सब कुछ सिस्टमेटिक वे में रहती हैं। तो इसी के लिए ज़रूरत क्या है, सबसे बड़ी चीज़ की यही ज़रूरत है कि हमें इमरजेंसी प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इमरजेंसी प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम एकदम से कैसे ये सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, किसी को कैसे पता चलेगा कि कैसे रेस्क्यू करना है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पहले से ट्रेनिंग देके हम सीख जाएं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन रखें तो हमें इस तरीके के एक्सीडेंट कम से कम फेस करने होंगे और हमारी सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया यहाँ से, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इमरजेंसी टीम, ठीक है। तो ये पूरी एक टीम रहती है जो कि तैयार रहती है, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो रहा हो या कि कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है तो उसमें ये बिल्कुल आपके जो भी इमरजेंसी प्लानिंग है वो बिल्कुल आपके हेल्प में आएगी, आपके काम में आएगी, ठीक है। और एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होने से बचेगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर ये बताया एयरक्राफ्ट के ऊपर। सो थैंक यू।